देवर सिद्ध और गुफा निवास तक पहुंचना। जब हर कारनामे में हार मिलने के बाद गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे बाबा जी के कानों में बलपूर्वक अंगूठियां डाल दें। ऐसा करने से पहले हर शिष्य मूर्छित हो गया और उस संघर्ष के दौरान बाबा जी जोर से पुकारे और एक जगह पहुंचे जहां चरण पादुका मंदिर स्थित है। चरण पादुका से बाबा जी पहाड़ी पर एक गुफा में चले गए जहां एक राक्षस गुफा से बाहर आया और बाबा जी को चलने जाने के लिए चेतावनी दी और बाबा जी ने अपनी सिद्ध शक्ति से दानव को बाबा जी के ध्यान के लिए गुफा खाली करने के लिए मजबूर कर दिया और दैत्य स्थिति को समझ गया और चला गया। तब बाबा जी साधना के लिए वहीं बस गए और भर्तरी भी उस गुफा के पास साधना के लिए जा बसे। एक दिन पास के गांव चमकोर से बनारसी नामक एक ब्राह्मण अपनी गांव को चराने के लिए उस क्षेत्र में आया। बाबा जी उनके सामने प्रकट हुए और बातचीत की। ब्राह्मण ने बाबा जी को अपने बजर गांव के बारे में बताया। बाबा जी ने पूछा कि उनकी गायें कहाँ हैं। हैरानी की बात ये रही कि वहाँ सिर्फ शेर और बाघ ही थे। ब्राह्मण की तेजस्वी मुद्रा देखकर बाबा जी ने उसे अपने गाँव को बुलाने के लिए कहा। आश्चर्यजनक रूप से जैसा कि ब्राह्मण ने बुलाया उसकी गांव ने उसे घेर लिया और ये चमत्कार देख के ब्राह्मण बाबा जी का भक्त बन गया। ब्राह्मण बाबा जी को देखता रहा। एक दिन बाबा जी ने उनके कहा कि वह एक दिन गायब हो जाएंगे और ब्राह्मण को धूना और पूजा करने की परंपरा जारी रखने के लिए कहा और ब्राह्मण ने बिंदु का पालन किया और परंपरा को बनाए रखा। बाबा जी के पास एक दिया जलता रहता था जिसकी रोशनी आसपास के गांव में फैल जाती थी और इस प्रकार लोगों ने बाबा जी को बाबा देव सिद्ध के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और बाद में ये स्थान बाबा देव सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको आगे भी वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। जय बाबा बालकनाथ जी की जय। सोने दी चमकार दे वांगू चमक गई तकदीर मेरी।